हिंदू धर्म में जन्म से लेकर के अंत तक 16 संस्कार बताए गए हैं और सभी संस्कारों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को स्नान करा करके, नवीन वस्त्र धारण करा करके, चंदन इत्यादि लगा करके और उसकी शव यात्रा निकाली जाती है और शमशान में ले जा करके पुत्र के द्वारा मुखाग्नि प्रदान की जाती है। पुत्र ना होने पर अन्य कोई परिजन इस क्रिया को कर सकता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ऐसा तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में लिखा है। अर्थात हमारा यह शरीर जो है पंच तत्व से मिलकर के बना है। तो जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो वह पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। पिता पर रख करके अग्नि दी जाती है, अग्नि का संबंध सबके साथ होता है तो अग्नि तत्व प्राप्त हो जाता है। शरीर जल करके राख में परिवर्तित हो जाता है, भस्म में परिवर्तित हो जाता है तो पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही जब शरीर जलता है, धुआं बनता है तो जो आकाश तत्व और जो वायु तत्व है वे आकाश तत्व और वायु तत्व में समाहित हो जाते हैं। जब शरीर पूरा जल जाता है तो शेष बची भस्म और अस्थियों को गंगा में या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है तो उसका संबंध जल से भी हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह शरीर पंच तत्व से मिलकर के बना है और दाह संस्कार करने पर वे पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और वह व्यक्ति इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के रूप में दाह संस्कार सर्वमान्य रूप से किया जाता है। कुछ अन्य धर्मों में भूमि पर दफनाया जाता है, लेकिन यदि हम विचार करें तो भूमि के अंदर यदि किसी को दफनाया जाता है उसका शव सड़ता है, गलता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं और कई बार कुछ हिंसक जंतु, कुत्ते इत्यादि जो जंतु हैं भूमि में से उस शव को निकाल करके कुछ छद विच्छद भी कर देते हैं और दफनाने से वह भूमि भी उपयोग के लिए नहीं रह जाती है। जैसे दाह संस्कार में जिस भूमि पर दाह संस्कार किया जाता है अस्थियों को नदी में विसर्जित करने के बाद उस स्थान को जल इत्यादि डालकर पवित्र कर दिया जाता है, वह स्थान उपयोग में जाता है तो दफनाने इत्यादि की क्रिया में वह भूमि भी जो है अनुपयुक्त हो जाती है। तो सभी प्रकार से हम यदि विचार करें तो देखें कि दाह संस्कार किसी भी व्यक्ति की अंतिम क्रिया के लिए सर्वोत्तम बताया गया है।